हाय गाइस, दिस इज राहुल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वन प्लस 7T और वन प्लस 7T प्रो के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग इन दोनों ही फ़ोन को कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं इनमें से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो वन प्लस 7T में आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल रही है 6.5 इंचेस की और यहाँ पे नॉच वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो वही हम लोग वन प्लस 7T प्रो की बात करें तो यहाँ पे 6.67 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको नॉच नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी भी है, रिफ्रेश रेट आपको 90 हर्ट्ज देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्वाड HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है। चलो हम लोग अभी प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे प्रोसेसर में आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस दोनों ही फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेगा। वही हम लोग GPU की बात करें तो GPU भी आपको दोनों फ़ोन में सेम ही देखने को मिलेगा। वही हम लोग इसके रैम की बात करें तो यहाँ पे 8GB रैम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी 7T में, और 7T प्रो में भी आपको 8GB रैम आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो वन प्लस 7T का बेस वेरियंट आपको 128GB का मिलेगा। वही हम लोग वन प्लस 7T प्रो की बात करें तो यहाँ पे 256GB का आपको स्टोरेज मिलने वाला है। यहाँ पे कैमरे की बात करें तो दोनों फ़ोन में लगभग सेम ही कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 48MP का आपको मेन सेंसर देखने को मिलेगा और यहाँ पे 16MP का अल्ट्रा वाइड आपको लेंस देखने को मिलेगा। 12MP का यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। और वही हम लोग 7T प्रो की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 48MP का कैमरा देखने को मिल रहा है और वही अब 16MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। और अभी बात करते हैं इनके फ्रंट कैमरे की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे वन प्लस 7T में आपको 3800mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। वही वन प्लस 7 प्रो में आपको बैटरी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, 4085mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल रही है। OS की बात करें तो यहाँ पे वन प्लस 7T में आपको एंड्रॉयड 10 OS मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 7T का जो बेस वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 38,000 रुपीज़ का, और यहाँ पे 7T प्रो का आपको मिलने वाला है लगभग 50,000 के आसपास। तो ये दोनों ही फ़ोन मुझे लगभग सेम ही लग रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि यहाँ पे जो 7T प्रो में है यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से आपको वहाँ पे नॉच देखने को नहीं मिलेगा। या बैटरी में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, 7T प्रो में थोड़ी सी ज़्यादा आपको बैटरी यहाँ पे मिल रही है। इन दोनों ही फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे आपका फ़ोन 70% चार्ज हो सकता है सिर्फ 30 मिनट्स में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था मेरा कंपैरिजन 7T और 7T प्रो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।